उधर पे फोकस नहीं रहेगा, आएगा 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 थोड़ा डांगी कैसे लो पर ले समझे डर रहा है मेरे को लग रहा है। जा ना यार अभी बैठ जाएगा पर लो वैसे पर अब थोड़ा से दिखाओ पड़ा दो सर थोड़ा तेज दो थोड़े आ जाएगा बस आ जाएगा ये पर अभी बैठ जाएगा आशीष भाई थोड़ा सा छेड़ लगा ना छेड़ लगा नहीं यही नहीं नहीं उस्ताद सही था ये हमारे बासित भाई बासित उस्ताद ने कबूतर उतार दिए माशाल्लाह अब नहीं उड़ेगा उस्ताद अब नहीं उड़ेगा यही है जहाँ बैठाना चाहो बैठ जाते हैं आप लोग सामने चला जाओ साथ के साथ चला जाओ अपने मालिक के पास आ गया माशाल्लाह दो बेहतरी के लिए हमने काम करना है लास्ट लास्ट इन इन कबूतरों को जो लोग ये सुबह से उड़ा हुआ था उस्ताद मतलब 12 घंटे की परवाज दी 12 घंटे की परवाज दे के और ये कबूतर वापस आ रहा है और ये निशान के लगे हुए कबूतर होती हैं और आप लोगों के सामने जो है ये हवा में आसमान में उड़ रहा था और माशाल्लाह कितना परफेक्ट होके बैठा है इसने अपना निशान जब देखा वो मैदान में आया तो ये आगे बैठा कहाँ तक पहुंचे इन कबूतरों को जो वाइट आंख के इनमें कबूतर है लोग जो क्रॉस कर रहे हैं और उनको हाई फ्लायर में क्रॉस कर रहे हैं छतरी में उठा रहे हैं जड़ों पे अड्डों पर इनको जैसे आदि करो मेरे पास एक कबूतर है घर पे उसको मैं उड़ाता हूँ मेरे हाथ पे आगे बैठता है वो उसे आदि कर दिया तो ये बड़ा समझदार और बड़ा जहीन कबूतर है जो लो फ्लायर है इसलिए लोग इन्हें जो क्रॉस कर रहे हैं इसमें कुरान का अलग उठा रहे हैं किसमें लो फ्लायर नहीं है ऐसे लोगों के लिए हम काविशिंग कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं कि कानून साजी करें कानून बनाए कबूतरबाजी में कुरान पाक का हलफ किसी भी सूरत में कबूल नहीं है इंशाल्लाह होगा और ये तहरीक जो 2013 से चालू थी इंशाल्लाह आखिरी कबूतरबाज तक ये तहरीक बंद नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये माशाल्लाह नजीब भाई ने भी किया है हाईवे पे भाई हलफ की बात आई है नजीब भाई ने बात आई है नजीब भाई ने बाजी दे दी आ जाओ उधर जरा उस्ताद के साथ खड़े हो जाओ नजीब भाई साहब नजीब भाई को उस्ताद नजीब पलारी नजीब भाई ने जो है हलफ ना उठा के बाजी देना तरजीह दी ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हलफ उठाते तो शायद बाजी मिल जाती लेकिन हलफ नहीं उठाया बाजी देने को तरजीह दी तो हम इंशाल्लाह हलफ के खिलाफ और हमारे साथी भी सब हलफ के खिलाफ होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।